देश में मौजूदा अंग्रेजों के कानून को बदलने के लिए कई सालों से कवायदें चल रही थी, जिसको अंतिम और मूल रूप गत 21 दिसंबर को राज्यसभा में दिया गया। 3 कानूनों में परिवर्तन को लेकर देश के सभी प्रदेशों में और खासकर पुलिस मुखिया को इन कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, और वहीं कुछ दिनों में निचले अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आपको बताएंगे कि ये 3 कानून ऐसे हैं जिन्हें मूल रूप से परिवर्तन किया गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता लागू किया गया है। इसके पूर्व इन तीनों कानूनों में दंड संहिता का उपयोग किया जाता था, जिसका सीधा ये मतलब होता था कि भारतीय कानून में न्याय के बजाय सीधे दंड ही दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें परिवर्तित किया गया है, जिनका ये मतलब होगा कि भारतीय कानून पहले न्याय करेगा और फिर दंड निर्धारित करेगा। अंग्रेजों के समय कई लोग, चाहे वो आंदोलनकारी हों या कोई भी हों, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हमला करते थे तो वे सीधे ही दंड प्रक्रिया लागू करते थे, जिसे दंड संहिता प्रक्रिया कहते थे, आज की भाषा में जिसे हम जानलेवा हमले के तहत 307 और 302 कहते हैं। इसे बदलकर अब इन धाराओं को 101 और 102 की धारा से संबोधित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल अपराध, महिला अपराध, अन्य शारीरिक अपराध जो होते हैं, उन्हें भारतीय कानून में अब महत्वपूर्ण रूप से तवज्जो दी जाएगी और उनके लिए सख्त कानून निर्धारित किए गए हैं, जो इन्हीं तीनों कानूनों के अंतर्गत लागू होते हैं। इसी को लेकर हमने इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता से खास चर्चा की। आइए बताते हैं आपको इस कानून को लेकर चर्चा में उन्होंने क्या क्या कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर कमिश्नर ऑफिस में और हम आज एक चर्चा करेंगे कि जो लोकसभा में जो नए 3 कानून पारित किए गए हैं, हालांकि पुराने ही हैं लेकिन उनमें कुछ चेंजेस किया गया है और वो काफ़ी उसमें बदलाव किए गए। इस बारे में कल एक कलेक्ट्रेट ऑफिस में DGP और समस्त वरिष्ठ प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा संबोधन किया गया था, इंदौर कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारियों को। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह का बदलाव हुआ है। सर, आप बताइए, जो 3 कानून लागे हुए हैं जिनको बोला जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, तो इनमें क्या फ़र्क है और क्या बदलाव है? देखिए, कल एक हम लोगों की ट्रेनिंग सेशन था, जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान काडर के हैं, श्री DC जैन सर, उनके द्वारा लिया गया था। माननीय DG साहब द्वारा ये ट्रेनिंग आयोजित कराई गई थी, सभी राजपत्रित अधिकारी इसमें उपस्थित थे। मुख्य रूप से 3 जो अभी हमारे नए कानून हैं, जिन्हें संसद से पास हो चुके हैं, माननीय राष्ट्रपति जी का भी कंसेंट मिल चुका है, उनके शीघ्र लागू होना है, तो उसके लिए कैसे हम सब ट्रेंड होंगे, उसके लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन लगाया गया था। मुख्य रूप से तीनों कानून, यदि मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं, तो पहले हम लोग जैसे इंडियन पीनल कोड बोला करते थे, तो उसमें अगर हम देखें तो दंड दिया जाना प्रमुखता में था। अब जो हमारा नया कानून है, उसमें अब हम न्याय की बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता उसको नाम दिया गया है। साथ ही अगर पूरे उस कानून को मैं संक्षेप में बात करूं, तो यदि हम पूर्व में देखते थे, तो पूर्व के कानून में यदि हम शुरुआती धाराओं को देखते हैं, तो उसमें सेडिशन, आर्म रेबिलियन, इस तरह की धाराएँ सबसे आगे थीं, जो मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स के दौरान उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी। लेकिन अब बदली परिस्थितियों के अनुसार और भारतीय परिवेश में जो नए भारतीय कानून हैं, उसमें अब जो प्राथमिकता दी गई है, उसमें महिला संबंधी अपराधों को, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को उसमें प्राथमिकता दी गई है, शरीर संबंधी अपराधों को भी आगे लिया गया है। तो कुल मिलाकर जो पुराने कानूनों को हम अपने नए परिवेश में देखते हैं और जो हमारी नई प्राथमिकताएँ इतने सालों में बदली हैं, उनको शामिल करते हुए नए कानून बने हैं। इसी तरह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो पहले CRPC हुआ करती थी, कि कोर्ट में पुलिस कैसे विवेचना करेगी, किसी मामले को दर्ज कैसे करेगी, विवेचना कैसे करेगी और इसके बाद कैसे कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और कोर्ट उसमें कैसे आगे कार्रवाई करेगा, इसके लिए ये पूरा कानून होता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में अब बदली परिस्थितियों के अनुसार बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल पुलिस के लिए भी किया गया है, कितने समय में आपको विवेचना करनी है, और कोर्ट को भी बहुत अकाउंटेबल बनाया गया है कि कितने समय में चार्ज फ्रेम हो जाएगा, निर्णय कब तक दिया जाना है। तो कुल मिलाकर यह है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो है, वो अगर पहले जो कानून था वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो साक्ष्य अधिनियम में एक बड़ा जो परिवर्तन मैं देखता हूँ वो ये है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, चूँकि अब देखते हैं हम के धीमे धीमे
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी साक्ष्य इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है और बहुत प्रबल साक्ष्य भी वो होता है, तो उसको कैसे मान्यता दी जाए, कोर्ट में उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए और उसको भी अब मान्यता मिलेगी, इस बात के लिए अब भारतीय न्याय भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर तीनों ही कानून में परिवर्तन है और उसमें कैसे अब हम आगे कार्रवाई करेंगे, पुलिस की कैसे ट्रेनिंग होगी, क्योंकि अब पुलिस के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं इन कानूनों के आने के बाद, तो उन सारी जिम्मेदारियों को हम कैसे निर्वहन करेंगे, उन सब बातों को लेकर ये पूरी एक कार्यशाला थी और जिसमें अभी ये हुआ और ये एक हमेशा चलने वाला एक रहेगा, लगातार पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग हम लोग कराते रहेंगे ताकि इन आने वाले कानूनों में जब से ये लागू होंगे, अभी दिनांक जैसे ही आती है तो उनको हम लोग सुचारू रूप से लागू कर सकते। एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि जैसे कल आप लोगों की मीटिंग हुई वरिष्ठ अधिकारियों की, तो सर जमीनी स्तर पर जैसे जो बीट अधिकारी होता है या जो जांच अधिकारी होता है, इन लोगों की ट्रेनिंग कब शुरू होगी और एक कुल मिलाकर लगभग 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कब से लागू हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग एक पूरा ट्रेनिंग कैलेंडर हमारा बन के तैयार हो रहा है जिसमें हमें हमारे निचले स्तर तक भी सभी लोगों को इसमें ट्रेन करना है। पीटीएसएस में भी इसकी ट्रेनिंग होगी, जिला स्तर पर भी इसकी ट्रेनिंग होगी। अभी सिर्फ राजपत्रित अधिकारियों को ही इसके बारे में एक थोड़ा आउटलुक था जो पुलिस मुख्यालय स्तर से माननीय डीजी साहब द्वारा दिया गया। कानून जैसे ही लागू होने की तिथि आती है तो उसके साथ ही मुझे लगता है कि हम लोगों की ट्रेनिंग और इंटेंसिव हो जाएगी। अभी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग चल रही है। सर दूसरा ये चाहूँगी मोटे तौर पे जो मतलब हमारे दर्शक समझ सके कि जैसे आपने कहा कि कुछ जो धाराएं जिनमें जो ब्रिटिश के समय लागू की गई थी अंग्रेजों के समय की जानलेवा हमला था, तो 307 या 302 हत्या, और इनमें ये किस तरह से चेंज होंगे, इनको किस तरह से संबोधन करेंगे? देखिए, मुख्य रूप से जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने कानून में उनका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन नहीं था, जैसे स्नैचिंग मतलब जैसे चैन स्नैचिंग हुई, बैग स्नैचिंग हुई, मोबाइल स्नैचिंग हुई, इसके लिए कोई अलग से धारा नहीं थी। तो कई बार ये चोरी में भी प्रकरण दर्ज हो जाते थे, कई बार हम लोग इसे जब बहुत गंभीर मान लेते थे कि तो वो लूट में मामला दर्ज होता था, लेकिन अब नए कानून में स्नैचिंग एक अलग धारा होगी और उसके लिए एक अलग सजा का प्रावधान किया गया। इसमें जो घर में घुस के डकैती की जाती है वो भी सारी धाराएं हैं। मैंने बताया कि अब जो पुराने कानून में हम लोगों को थोड़ा अंतर समझ में आता था उसको अब इनने और विस्तृत कर दिया है। जैसे कभी भीड़ किसी को घेर के मॉब लिंचिंग जैसे हम बोलते हैं, मॉब लिंचिंग के लिए कोई अलग से धारा नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 302 में ही हम लोग उसको कैटर किया करते थे। अब इसके लिए एक अलग से धारा मॉब लिंचिंग के लिए भी भारतीय न्याय संहिता में आ गई है। तो कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों में जो भी नए अपराध आए हैं, साइबर क्राइम आए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमें लेना है, तो वो सब चीज़ों को इस कानूनों में शामिल किया गया है। और कानून में क्या प्राथमिकता में रहेगा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सीक्वेंस और लॉजिकल हो गया है। जैसे पहले महिला संबंधी अपराधों में हम देखें तो 354, फिर धारा 376 आती थी, फिर एक धारा 509 हुआ करती थी, तो 300 से शुरू होकर सीधे 509 पे भी महिला संबंधी। अब नए कानून में ये सब धाराएं एक साथ ही हमें दिखाई देंगी, तो किसी को समझने में भी बहुत आसानी है और जो नए बच्चे अभी लॉ के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी उसको याद रखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। सर एक छोटा सा एक और प्रश्न है कि जैसे लॉ के स्टूडेंट और पुलिस अधिकारी, ये तो इनके नॉलेज में तो नया कानून रहेगा ही, लेकिन आम जनता को इसकी समझाइश या इसके लिए कुछ अलग से कुछ तैयारी सरकार द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा कोई टारगेट है? देखिए, जनता को तो जैसे जैसे उन्हें ये नए कानून लागू होंगे और उन्हें उसका लाभ मिलना शुरू होगा तो मुझे लगता है कि वो अपने आप ही लोगों के ज्ञान में आना शुरू हो जाएगा। लगभग प्रक्रियाएँ सेम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने इतने सालों में माननीय न्यायालयों ने भी अपने निर्णय से बदली थी और हम लोगों के खुद के अनुभव भी थे कि ये सब चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन इन सभी कानूनों में संसद के द्वारा किए गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जो 3 नए कानून लागू होने वाले उनके लिए क्या पुलिस द्वारा तैयारी की जाएगी, किस तरह जमीनी स्तर पे निचले अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जब लागू होंगे तब क्या स्थिति रहेगी। कैमरामैन योगेश के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।